दोबारा दोहरा देता हूँ, हिंदुस्तान से वो पूछ रहे हैं, बीवी अगर माँ बाप से जुबान दराजी करती, चिल्ला कर बात करती और समझाने पर भी उसको समझ कोई नहीं आती, तो इस सूरत में बीवी पर हाथ उठाना दुरुस्त? अगर वालदैन बहू के साथ ज्यादती नहीं कर रहे और खामखा में उसको जहनी टॉर्चर नहीं कर रहे और फिर भी बहू जो है वो उनके सामने बेअदबी करती है और चिल्ला के बात करती है, तो शोहर के लिए हुक्म है कि बीवी को मना करे इस काम से। और फिर अल्लाह ने उसके तीन दर्जात किए हैं कि कोई जायज काम का शोहर अगर अपनी बीवी को कहता है और बीवी नहीं मानती, तो फिर अल्लाह ने उसके तीन दर्जात बयान किए हैं। फरमाया कि फ़ाइग़ूहुन्ना, पहले उनको उसको मोहब्बत से समझाओ, फिर भी नहीं मानती है, वहजरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, बिस्तर अलग कर दो उसका, कुछ दिन रूठ जाओ, उससे नाराज हो जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर भी अगर वो नहीं मारती तो फिर उसको, अगर वो नहीं मानती तो फिर उस पर हाथ उठाने की इजाजत है, मगर ज़रबे मुबर्रह, बहुत सख्त मारना, जानवरों की तरह पीटना, चेहरे पे मारना, इसकी इजाजत नहीं है। एतदाल के साथ शरीयत ने हाथ उठाने की ऐसे मौके पे इजाजत दी है। यहाँ बहुत से लोग एतराज करते हैं, अभी कल मैंने एक वो अहले मगरिब की तरफ से ना इस तरह के एतराज आते हैं कि इस्लाम ने मर्द को औरत पे हाथ उठाने की इजाजत दी है तो जुल्म किया है। तो मर्द को चूंकि घर का सरबरा बनाया है, सरबरा के पास अगर पावर नहीं होगी तो अपने हुक्म को नाफिज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों से सवाल पूछता हूं कि आप ये, अगर कोई ये कहे कि क्या हुकूमत अवाम को सजा दे सकती है, अवाम को जेल में बंद कर सकती है, क्या हुकूमत अवाम को कत्ल कर सकती है, तो जैसे ये सवाल अहमकाना होगा, भाई बिलावजह नहीं कर सकती, और अगर कोई जुर्म इस नौयत का है तो हुकूमत कत्ल भी कर सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास इंतजाम है, उसको एक मैनेजमेंट है उसके पास, तो जो भी मैनेजर होता है तो उसको ये इजाजत होती है कि मातहतों पे वो सख्ती भी कर सकता है, वरना उसकी चलेगी नहीं। तो अल्लाह ने घर का सरबरा मर्द को बनाया है, तो गर्दन उड़ाने की तो इजाजत नहीं दी अल्लाह ने, ना जेल में डालने की, लेकिन बवक्ते जरूरत कि जब घर का माहौल खराब हो रहा है तो मातहत को काबू में रखने के लिए, जैसे बाप को इजाजत है कि औलाद पर हाथ उठा सकता है, ऐसे ही शोहर को इजाजत है कि शदीद मजबूरी के वक्त वो एतदाल के साथ बीवी पे हाथ उठा सकता है। हदीस में लकड़ी लटका के रखने का भी जिक्र मिलता है मेरे ख्याल घर में। जी जी محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله